एक बदक और उसका बच्चा एक नदी में नहा रहे थे। दोनों ऐश इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। इस दौरान बदक के 5-6 बच्चे पहले भी थे। अब ये एक चौराहे में निकल कर ये छोटे छोटे बच्चे नदी से बाहर निकल कर इसके किनारे इधर उधर चलने लग जाते थे। बदक को नहीं मालूम था एक बाज अपन दरख्त पर आकर बैठ जाता था। जैसे ये बाहर निकलते थे और वो ऊपर से झड्डी मारता, एक उठा कर रात के ऊपर जाकर बैठ जाता, उसको खा जाता। बदक हैरान होती और परेशान, उसका एक बच्चा रोजाना नहीं होता था, उसके साथ ही आता था। बदक सोचती शायद पानी में डूब गया है, लेकिन ये तो पानी में तैरने के माहिर होते हैं, ये पानी में नहीं डूबते। बदक सोचने लगी शायद ये डूब ना गया हो। फिर बदक ये डूबता नहीं है। फिर बदक ने अचानक देखा ऊपर एक बाज बैठा था। बदक उसको नीचे निकालने लगी और अपने बच्चे को वापस मारा और रखा कि एक बच गया है, कहीं इसको भी ना उठा कर ले जाए। इसलिए वो बच्चा